हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस टॉपिक में हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यह देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड और कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिस से हमने यह पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराता है हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि हम कॉपर वायर्स का यूज़ करते हैं या फिर हम क्वाइंस का यूज़ करते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं इन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए हम इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं कॉपर की हेल्प से यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से मेटल को रिफाइन करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं जिसमें एनोड एम्प्योर कॉपर का बना होता है वहीं कैथोड प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होता है इसे हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड पर इम्प्योर कॉपर रॉड से कॉपर आइटम्स ऑक्सीडाइज होकर कॉपर टूप्लस आयन बनाते हैं और सोल्यूशन में चले जाते हैं वहीं कैथोड पर सोल्यूशन से कॉपर टू प्लस आयन रिड्यूस होकर कापर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगते हैं तो इस तरह से धीरे धीरे इम्प्योर कॉपर रॉड से कॉपर मेटल्स निकल कर प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं और इस तरह मेटल धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाता है फैराडीज लॉ की हेल्प से हम यह पता कर सकते हैं कि कितना कॉपर मेटल प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है तो चलिए देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने माइकल फैराडे के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत सारे लॉज दिए हैं इन्होंने जब इलेक्ट्रोलिसिस को ऑब्जर्व किया तो पाया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का अमाउंट सॉल्यूशन में पास किए गए इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिटेड अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज सप्लाइड के इसे हम न्यूमेरिकली इस तरह भी लिख सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाई और हम जानते हैं कि चार्ज करेंट इन टू टाइम के इक्वल होता है तो यहाँ से डब्लू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करेंट पास्ट इंटू टाइम ड्यूरेशन यदि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमें एक कॉन्स्टेंट मिलता है जिसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा इक्वेशन हो जाता है डब्लू इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी जहाँ पर जेड सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है यदि किसी सॉल्यूशन में हम एक फेराडे करंट सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस का जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसे ही हम उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसे हम E बाई एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर E सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है और F फराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलम्स होती है तो चलिए इस क्वेश्चन के हेल्प से फराडेज लॉ को और अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने जेड एन सॉल्यूशन में एक एम्पियर का करंट 30 मिनट्स तक पास किया है तो कैथोड पर डिपॉजिट हुए जिंक का अमाउंट बताना है तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है 30 मिनट्स जिसको हम सेकेंड्स में लिखेंगे तो यह इक्वल होगा थर्टी इंटू सिक्सटी यानी एटीन हंड्रेड सेकेंड्स के और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें जेड निकालना है तो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा जिंक का इक्विवेलेंट वेट इक्वल होगा जिंक के एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई जिंक की वैलेंसी के तो इस तरह इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 32.5 टू पॉइंट फाइव ग्राम्स पर इक्वेलेंट क्वेश्चन में करेंट की वैल्यू वन एम्पियर गिवेन है और हम फैराडिज कॉन्स्टेंट की वैल्यू जानते ही हैं जो कि इक्वल होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलम्स पर मोल के यदि हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिस को देखें तो हमें मिलता है W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी के जेड की वैल्यू बाई e एफ होती है इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो वेट डिपॉजिटेड इक्वल हो जाता है के गिवन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें तो हमें डब्लू की वैल्यू मिल जाती है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स ग्राम यानी अगर हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में एक एम्पियर का करंट थर्टी मिनट के लिए पास करते हैं तो कैथोड पर 0.606 ग्राम जिंक ग्राम्स डिपॉजिट होगा चलिए अब हम पढ़ते हैं फेराडिस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यदि हम दो सॉल्यूशन ले और उनको सीरीज में ज्वाइन करके सेम अमाउंट ऑफ करेंट सेम टाइम के लिए पास करते हैं तो फिर फराडिस सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग सब्सटेंस के डिपॉजिटेड अमाउंट्स सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या फिर कहें कि सब्सटेंस के वेट्स का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से डेराइव किया जा सकता है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे डेराइव करेंगे यदि हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगाएं तो यहाँ पर डब्लू वन इक्वल होगा जेड वन इंटू आई इंटू टी के जहाँ पर जेड वन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा आई करेंट सप्लाइड और टी टाइम ड्यूरेशन होगा हम जानते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिंक के इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई फेराडेज कॉन्स्टेंट के इक्वल होगा तो इस तरह से W1 की वैल्यू यह मिल जाती है यहाँ पर E1 वन इक्वेलेंट मास है जो कि इक्वल होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी के वहीं अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अप्लाई करें तो हमें मिलेगा W2 टू इज इक्वल टू जेड टू इन आई टी के जहाँ पर जेड टू कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट होता है और यह इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई फेराडेज कांस्टेंट के तो हमें W2 की यह वैल्यू मिल जाएगी अगर हम W1 और W2 का रेशियो लें तो कुछ यह एक्सप्रेशन मिलेगा सिंस हमने सेम अमाउंट ऑफ करंट को सेम टाइम के लिए पास किया है तो दोनों केसेस में जो आई इन टू टी वह कैंसिल हो जाएंगे एफ फराडेज कांस्टेंट है तो यह भी कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा डब्लू वन बाई डब्लू टू इज इक्वल टू ई वन बाई ई टू डिपॉजिटेड अमाउंट्स के वेट का रेशियो मेटल्स के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा